हेलो क्लास सिक्स, लास्ट जो हमारा मैथ्स का क्लास था उसमें हम लोगों ने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा था कि जब भी कोई डिजिट टू से डिवाइड होता है, थ्री से डिवाइड होता है, तो हम कैसे चेक, क्या इतने बड़े डिजिट को अगर आप सिर्फ सभी डिजिट से डिवाइड करना लग जाओगे तो बहुत टाइम लगता है। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट इसलिए बनाया गया है कि विद इन अ सेकेंड आप लोग बस ये आइडिया लगा सको कि क्या ये नंबर इस टेबल में आता है या नहीं आता। उसके लिए हम लोगों ने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा था। तो एक दो क्वेश्चन बस हम लोग जनरली करेंगे। आपको जो क्वेश्चन नंबर वन है उसमें आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट बताना है। टू का डिविजिबिलिटी टेस्ट बताना, और आपका जो पहले जो डिजिट्स हैं वो है 430। दो का एग्जांपल करूँगी मैं और एक है 1063। आप जब भी ये स्टेटमेंट लिखेंगे कि वो डिविजिबल है या नहीं है, तो उसको स्टेटमेंट में ही लिखना है, यस या नो करके आंसर नहीं देना, क्योंकि वो तरीका होता भी नहीं। तो पहला हमारा 430, दूसरा एग्जांपल हमारा 1063। मैंने बताया था टू के टेबल में हमेशा लास्ट में इवन नंबर ही आता, लाइक 2, 4, 6, 8, 0, 0 दैट मीन्स 10, 20, 30, 40। यहाँ पे लास्ट में 0 आ रहा है। 0 इज 0 को हम इवन नंबर में काउंट करते हैं, बिकॉज जब भी वो 3 के साथ होगा दैट इज 30, एंड 30 इज एन इवन नंबर। 30 इज डिविजिबल बाई 2, दैट मीन्स द होल डिजिट इज डिविजिबल बाई 2। जो हमारा नेक्स्ट डिजिट है दैट इज 1063, द लास्ट वन दैट इज 3, 3 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, दैट मीन्स द होल डिजिट इज नॉट डिविजिबल बाई 3। तो इस तरीके से इस स्टेटमेंट की हेल्प से आप पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। पूरी एक्सरसाइज दैट मीन्स आपको कुछ क्वेश्चन जो बहुत ही बेसिकली सिर्फ डिविजिबल टेस्ट के ऊपर बेस्ड है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 to 7, 1 to 6। क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको करवाऊँगी क्योंकि उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्वेश्चन 8 का जो मेन मतलब है वो ये है, आपको एक ऐसा नंबर बताना है, आपको एक ऐसा डिजिट इस स्टार के साथ रिप्लेस करना है। स्टार के साथ रिप्लेस करने पे वो 9 का डिविजिबल होना चाहिए, दैट मीन्स वो 9 के टेबल में आना चाहिए। आप यहाँ पे एक ऐसा डिजिट लिखोगे जो कि वो डिजिट 9 के टेबल में आए, पूरा का पूरा डिजिट। तो 9 का जो हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो हमारी टेक्निक यही है, 6 + 7 + 0 + 2, हम सारे डिजिट्स को ऐड करते हैं। पहले साइड में मैं 9 का टेबल लिख लेती हूँ। 9 का टेबल आप लोग साइड में लिखने से हमारे लिए ईजी हो जाएगा कि हमें कौन सा डिजिट हमें पहले लेना है। यहाँ तक ही लिखेंगे, इन सबको हम ऐड करते हैं। तो हमारा इन सबको ऐड करने के बाद यहाँ पे स्टार है, स्टार को मैजिक लिस्ट खोलेंगे। 6 + 7 + 2 दैट इज 6 + 7 = 13 + 2 = 15, 15 + 4। अब आप 15 में ऐसा क्या नंबर ऐड करेंगे जो 9 के टेबल में आ जाए। अब 9 के टेबल में आने के लिए अगर मैं 18 को देखूं, 18 में से 15 को माइनस करूं, अगर मैं 18 को 15 में से माइनस करूं तो आएगा हमारा 3। और 27 बनाने के लिए मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा 15 में, तो अगर मैं 27 लेती हूं और 15 के टेबल में बनाना है तो दैट इज 12। लेकिन 12 हमारा दो डिजिट नंबर हो जाएगा, दो डिजिट नंबर हमें नहीं लेना, हमें सिर्फ एक डिजिट नंबर लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 18 बनाने के लिए, क्योंकि 9 के टेबल में 18 आता है, 18 बनाने के लिए हम स्टार को यही रखते हैं, 18 में से 15 को माइनस करेंगे तो दैट इज 3। तो हमारा जो स्टार का वैल्यू आया है, जो स्टार की वैल्यू आई है वो आई है 3। तो हम स्टार को हम 3 के साथ रिप्लेस करेंगे, स्टार को हम 3 के साथ रिप्लेस करेंगे तो आप जाके जो हमारा सारा डिजिट होगा वो 6 + 7 + 0 + 2 + 3 दैट इज 18, और 18 हमारा 9 के टेबल में आता है। तो ये कॉन्सेप्ट था आज का इस एक्सरसाइज का।
आपको ये पूरी एक्सरसाइज डिविजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर बेस्ड है। एट क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ, 9, 10 पूरी एक्सरसाइज आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट के बेसिस पे ही करनी है। प्रैक्टिस कर दे रहे क्योंकि डिविजिबिलिटी टेस्ट प्रैक्टिस करने से ही आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। तो मैंने जो क्वेश्चन करवाया इसकी प्रैक्टिस करनी है, इससे मिलते जुलते सारे क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, डिविजिबिलिटी टेस्ट और जो इससे पहले चैप्टर्स पढ़ाया वो भी आपको रेगुलर प्रैक्टिस करने हैं। मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, अगर आपने मैथ्स की प्रैक्टिस छोड़ दी तो आप लोगों ने जो लास्ट टू लास्ट क्लास में पढ़ा था वो भी आप भूल जाओगे। तो प्रैक्टिस इज़ मस्ट।